ये देखो शर्मा जी कौन सी बात कर रहे हो। बिक जाओगे भाई, एक जीनो से ले ली थी, बिक जाओगे, तुम्हारा घर इसमें चला जाएगा। आसू भाई ने दो एक किडनी गिर भी रख चुकी है पता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इससे पूछ तो दिल का हाल क्या है। देख रहे, ये किडनी वाली इधर वाली किडनी नहीं है। शर्मा जी ने ये वाली किडनी अपने मन से ही बेच दी मेरी, ठीक है, बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, बेच दी। और बेचने के बाद ना इनने बाइक दिलवा दी मुझे, और फिर मैं सोच रहा हूँ मेरी किडनी कहाँ। देख रहे हो ना, ऐसी बातें करते हैं यार, ये दोस्त हैं भाई, दुश्मन है, इन्हें पानी में डुबा के मार दो। एक बता दिया। हाँ। और एक और कमी बताऊं? हाँ बताओ। हाँ, जी नो सो लेना ही सबसे बड़ी कमी। अरे मैं चुप, पागल है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं अपनी बाइक का ना आप लोगों को कमियां बताता हूँ, मेरी बाइक में क्या क्या कमी है पता ना। मैं ये देखो बाइक खड़ी है हमारी, ये देखो मैं आया था नोएडा में, ये देखो स्विमिंग पूल है, इसमें मैंने नहाया कम से कम एक डेढ़ घंटा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा पानी है। देखो ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, 100 रुपये में आ जाओ, 100 रुपये में तुम्हारा काम हो जाएगा। और पेट्रोल लगेगा कम से कम 500 रुपये का, मेरा तो 500 रुपये का लगा है, अमित भाई का थोड़ा ही लगा है, शर्मा जी का थोड़ा कम लगा है। ये देखो बाइक हमारी, बाइक की मैं पता है आप लोगों को खूबी एक कमियाँ बताता हूँ। कमी देखो, सबसे बड़ी कमी दिखाता हूँ। पहले नॉर्मली देखो, सबसे नॉर्मल कमी हमारी देखो ये सीट हो गई, ठीक है। सीट इतनी हैवी है आप लोग सोच नहीं सकते, ऐसे अगर कोई बैठेगा ना इस पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे लंबे टूर पर कोई जाएगा तो बहुत दिक्कत देगी। ये नॉर्मली है, जैसे कि इसमें फॉर्म भी नहीं है, 20-25 किलोमीटर जाने के बाद ना इसमें जो बैठेगा ना, जिसके बम होते हैं ना, बम इतना दर्द करेंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये जो आगे वाली सीट होती है ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो ये इसमें तो, और इसमें एक मरगार्ड नहीं दिया इन लोगों ने, तो ये भी एक कमी है मरगार्ड। जैसे कोई अगर बारिश में चलोगे, कीचड़ में जाओगे ना, तो ये देखो कीचड़ देखो ऊपर आएगा सीधा सीट पे, कोई अगर पीछे बैठेगा वो पूरा सन जाएगा, पीछे अगर नहीं बैठा होगा जो आगे बैठा होगा वो भी सन जाएगा, वहाँ तक कीचड़ जाता है स्पीड में। और ये देखो क्रैश गार्ड, पता है किस लिए लगा? क्रैश गार्ड लगा है जैसे कि अगर बाइक गिरती है नीचे तो पूरी सेफ्टी रहती है इंजन की। और इन लोगों ने पता ना कावासाकी वालों ने एक और ये कमी करी है, देखो इंजन देखो ना, बॉडी से ना इंजन बहुत बाहर है, ये देखो बहुत ज़्यादा बाहर। अगर बाइक अगर कभी भी क्रैश होती है ना, क्रैश होगी ना, तो सबसे पहले ये जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी कोई सी बाइक ले लो भाई, BMW कोई सी भी ले लो बाइक, उसमें इतना भार नहीं होता जितना भार इसमें है शर्मा जी। इस अरे नहीं, 1250 की बात कर रहे हो ना, 1250 की बात अलग होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दो कमी, एक दो तीन कमी हो गई है, ठीक है। और चौथी कमी है ना बहुत ज़्यादा, बहुत ही ख़तरनाक वाली कमी, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे बड़ी कमी लगी मुझे। देखो ये इसका, देखो ये है ऑयल फिल्टर, ये देखो कितना नीचे है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत नीचे है ये देखो। तो पता है अगर कोई ब्रेकर हैवी आया ना, बहुत ज़्यादा ब्रेकर हैवी आया, अगर आप लोगों ने ऑफ रोडिंग करी ना तो इसमें क्रैश हो जाए, क्रैश होने के बाद ना, क्रैश होने के तो बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ही नीचे है ये देखो। क्रैश होने के बाद ना हमारा इंजन हीट हो जाएगा, फिर इंजन हमारा फट जाएगा, बहुत ही बड़ी कमी है देखो, समझ रहे हो ना। और गाइस पता है ना बाइक तो बहुत ही प्यारी है, सब कुछ अच्छा है, 3-4 चीज़ें हैं ना जो ये मुझे बहुत बेकार लगी हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो कंट्रोलिंग होती है ना इसकी, कंट्रोलिंग में भी पता है ना, जैसे कि हम 250-260-270 पे जाते हैं ना, तो जाने के बाद ना ये पता है ना, जब मैं ऐसे ब्रेक मारता हूँ ना तो कट कट की आवाज़ होती है, हल्का सा ना डिसबैलेंसिंग होता है। तो ये भी मुझे, जो मेरा भाई, जो मेरी थिंकिंग है, मैं अपनी बता रहा हूँ, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और आज मैंने चश्मा इसलिए लगा रखा है भाई, मेरी आंखें ना थोड़ी थोड़ी लाल हो रही हैं, क्योंकि पता है ना परसों नरसों मैंने बाइक भगाई थी ना बहुत ज़्यादा, बगैर हेलमेट के बाद भगाने के बाद ना मेरी आंखें हो गई थी लाल, और मैंने अभी स्विमिंग पूल में भी नहा लिया, नहाने के बाद ना थोड़ी थोड़ी और लाल हो गई हैं। ये देखो पूरी बाइक, वैसे तो बाइक तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, नो कॉम्प्रोमाइज भाई, कावासाकी J900 सबसे अच्छी बाइक है। देखो मैं आप लोगों को एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ, बैट नेम ना बहुत ही बढ़िया लुक, एकदम सेक्सी लुक आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। मुझे इतनी नॉलेज थी इस बाइक के बारे में, जो मुझे कमियां लगी, जो मैं मानता हूँ, एक कमी और मैं बताऊँ? हाँ ये देखो शर्मा जी, हाँ बताओ भाई, पिलियन के लिए घंटा कुछ नहीं है, ये जो पिलियन बैठ जाना है ऐसी तैसी हो जानी है, पिलियन देख रहे हो? हाँ तो ये बहुत हार्ड है, ये कितना हार्ड है और कितना छोटा है, ये मैंने बता दिया। हाँ एक बता दिया, और एक और कमी बताऊँ? हाँ बताओ। जी 900 लेना ही सबसे बड़ी कमी है, चक मत लो। ये देखो शर्मा जी कौन सी बात कर रहे हो? बिक जाओगे भाई, एक G900 ले ली थी, बिक जाओगे, तुम्हारा घर इसमें चला जाएगा। आसू भाई ने दो एक किडनी गिर भी रख चुकी है पता है,
इससे पूछ तो दिल का हाल क्या है, देख रहा, ये किडनी वाली इधर वाली किडनी नहीं है। शर्मा जी ने ये वाली किडनी अपने मन से ही बेच दी है मेरी, ठीक है, बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, बेच दी। और बेचने के बाद ना इनने बाइक दिलवा दी मुझे, और फिर मैं सोच रहा हूँ मेरी किडनी कहाँ, देख रहे हो ना ऐसी बातें करते हैं यार, ये दोस्त है भाई, दुश्मन है, इन्हें पानी में डुबा के मार दो इसमें। अमित भाई पकड़ो इन्हें, पकड़ो अभी, पकड़ो, ये देखो ये भाई, ये लोग वीडियो नहीं बनाने दे रहे मुझे ना। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, अगर अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कमी लगे ना ज्यादा, तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना, चलाएंगे तभी तो कमी लगेगी भाई, कमी है पूरी भाई की कमी है, पूरी भाई की कमी, अब तुम लेना ही कमी, बहुत बड़ी कमी है, देखो भाई देखो। और आप लोगों को कोई सी भी कमी लगे ना कि भाई इसमें ये कमी है और ये खूबी है इसमें, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और शर्मा जी को ना, जो हमारे शर्मा जी का है, शर्मा जी का चैनल है द फर्स्ट राइडर, उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई वो मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई मैं टाइम पे कहीं जा नहीं पाता हूँ, बुलाते हैं वो 5 बजे और मैं जाता हूँ 6 बजे, तो वो भी फिर मुझे यार सुनाते हैं, समझ रहे हो, तो मेरे पास टाइम रहता नहीं। उनकी तो सरकारी नौकरी 75,000 रुपये सैलरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना, देखो शर्मा जी।